नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष में मेरा नाम है पूजा द्विवेदी तजिकस्तान में हिजाब बैन कर दिया गया है जबकि मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ क्यों किया ऐसा उसको देखते हैं बहुत सारे अनऑफिशियल कर्ब्स लगाए दिए गए थे रिलीजियस क्लोदिंग पे मतलब कोई भी ऐसी क्लोदिंग जो रिलीजन दिखाए तजिकिस्तान गवर्नमेंट ने रिसेंटली फॉर्मली बैन कर दिया है वेयरिंग ऑफ हिजाब इन द कंट्री बिल पास किया गया था लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जिसे मजलिसी नामोयांदागो कहा जाता है मई आठ को ये हो गया था और फिर अपर हाउस जैसे मजलिसी मिली कहा जाता है वहाँ पे जून 19 को इसको अप्रूव कर दिया गया काफ़ी ईद सेलिब्रेशन हुए थे उसके बाद ही ऐसा देखा गया है ये मूव लीगल वेट देता है जो रिमार्क्स किए गए थे प्रेसिडेंट इमुमाली रहमान द्वारा कि हिजाब फॉरेन क्लोथिंग है मतलब हिजाब असल में मुसलमानी कम्यूनिटी में नहीं मानी जाती है पर ये फ़ॉरन क्लोदिंग साथ ही साथ ये नया लॉ क्या करता है ये एग्जिस्टिंग लॉ जो कि ऑन रेगुलेशन ऑफ हॉलीडेज एंड सेरेमनीज को एग्जिस्टिंग uh, लॉ को अमेंड करता है और ये इम्पोर्ट सेल एंड प्रमोशन एंड वेयरिंग ऑफ क्लोदिंग जो कि फॉरेन बोली जाती है वो हटाता है नेशनल कल्चर में सेंट्रल टू दीज चेंजेस और ऑल्सो ऑन द बैन ऑफ हिजाब जो हेड कवरिंग है मुस्लिम वमन्स के द्वारा की जाती है मुस्लिम वुमेन के द्वारा की जाती है उसको हटाया गया है साथ ही साथ इसमें वायलेशन बताई गई है कि अगर ऐसा आप करते पाए गए यानी कि अगर आपने हिजाब तब भी पहना तो आपको एक फ़ाइन लगाया जाएगा 7,920 सोमोनीज़ जो कि वहाँ की करेंसी है यानी कि 747 डॉलर्स इंडिविजुअल ऑफेंडर्स के लिए है और अगर यहाँ पे कोई आ, मतलब और ग्रेजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइज लेवल पे ये हो रहा है तो 39,500 सोमोनीज़ यानी कि तीन हज़ार डॉलर से ऊपर का यहाँ पे फ़ाइन लगाया जाएगा बैन यहाँ बैन सिर्फ हिजाब पर नहीं है ईदी पर भी हुई है ईदी एक कस्टम होता है ना कि जब ईद पे बच्चों को से या कुछ भी गिफ्ट्स दिए जाते उस पर भी बैन लगा दिया गया है हिजाब बैन लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ स्टेप्स from द president ऑफ़ Tajikistan जो कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट को हेड करते हैं और कहते हैं कि जजीकी कल्चर है हम उसको बढ़ावा देंगे और यहाँ पे पब्लिक रिलीजस सेरेमनीस को और साथ ही साथ रिलीजोसिटी को बहुत पब्लिक नहीं करना है ये वहाँ के पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रहमान एक प्रेसिडेंट रहे हैं सेंट्रल एशियन नेशन के मतलब तजिकिस्तान के ही सिंस नाइनटीन और ये तीन तीस साल का जो रूल इन्होंने किया है लॉन्गेस्ट इन द रीजन है मतलब सेंट्रल एशियन रीजन

पावर्टी बढ़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी कम हुई रहमान आल्सो दिनर एज द विनर ऑफ द 1994 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हेड करते हैं जो कि पावर है पावर में है सिंस 1994 आफ्टर दैट इन्होंने कंट्री में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी किए हैं मोस्ट स्वीपिंग चेंजेस जो हुए हैं दो में हुए हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तजिकिस्तान को अवेंट किया गया था लिमिट ऑन नंबर ऑफ प्रेसिडेंशियल टर्म्स हटा दिया गया था ताकि ये प्रेसिडेंट बन के कंटिन्यू कर सकें उसके साथ उन्होंने फेथ बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हटाया था यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर फेथ से चल रही है किसी रिलीजन से चल रही है तो उसको भी हटा दिया गया था एक लॉ लाया गया था टू रेगुलेट हॉलीडेज हॉलीडेज एंड सेरेमनीज इसको 2007 में लाया गया था इन्होंने इस्लामिक क्लोदिंग को प्रोहिबिट की थी और वेस्टर्न स्टाइल मिनिकर्ट मिनी स्कर्ट्स को भी हटाया था यहाँ से इफेक्टिवली इट इफेक्टिवली लेट द बैन फॉर हिजाब फॉर स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट भी हिजाब नहीं पहन सकते प्रेसिडेंट रहमान ने यह कैंपेन बहुत ईजीली चलाया है 2015 से यहाँ बोला जाता है कि अगर कोई हिजाब पहनता है तो ये साइन ऑफ पुअर एजुकेशन मतलब आपकी एजुकेशन ठीक नहीं हुई है 2024 में उन्होंने इस सेंग के साथ, मतलब इस पर डबल डाउन किया जीनोफोबिया बोल दिया इन क्लोथिंग वेयरिंग फॉरेन क्लोथ्स यानी कि Uh, यहाँ पे अगर कोई फॉरेन क्लोथ्स पहन के आ रहा है उसको भी जीनोफोबिक बता दिया गया 2017 ने में गवर्नर ने गवर्नमेंट ने एक नया कैंपेन निकाला जिसमें ऑटोमेटेड फ़ोन कॉल्स हुए जिसमें आ, बोला गया औरतों से कि आप तजीकी ड्रेस पहनिए उसके बाद एक 376 पेज का हैंडबुक भी निकाला कि क्या क्या, क्या इस्लाम में अलाउड है गाइड बुक ऑफ रिकमेंडेड आउटफिट्स इन तजिकिस्तान जिसमें एक्सेप्टेबल गारमेंट्स क्या क्या दिए हैं क्या क्या लेंथ होनी चाहिए कलर क्या होना चाहिए शेप शेप क्या होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें इस हैंडबुक में लिखी थी ब्लैक गारमेंट्स को फ्यूनरल्स में बिल्कुल मनाही कर दी गई है बोला गया है कि ब्लू आउटफिट होना चाहिए और वाइट हेडस्कार के साथ अगर बात करें हिजब लॉज इस्लामिक नेशंस में क्या क्या है अफगानिस्तान जब से तालिबान आया है तब से वुमेन इन अफ़ग़ानिस्तान वो उनको बुरका पहनना ज़रूरी है सऊदी अरेबिया में वुमेन इन सऊदी अरेबिया अबाया पहनती हैं जो लूज़ फिटेड क्लोथ्स होते हैं और उसके साथ हिजाब या बुरका भी पहनती हैं इंडोनेशिया और पाकिस्तान में यहाँ यहाँ पे कोई लॉ नहीं है कि आपको बुरका या हिजाब पहनना ही पड़ेगा तजिकिस्तान इज़ अ कंट्री इन सेंट्रल एशिया एंड इट शेयर्स अ बॉर्डर विद अफग़ानिस्तान उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ऑल्सो चाइना तजिकिस्तान को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान भी कहा जाता है जो कि एक लैंड कंट्री है सेंट्रल एशिया में दुशांबे इसका कैपिटल है एज यू कैन सी तजिकिस्तान में काफ़ी सारे माउंटेन्स भी हैंफ्टर इट इज़ बॉर्डर बाई अफग़ानिस्तान उजबेकिस्तान किर्गिस्तान एंड चाइना ऑल्सो यहाँ पे पामी रेंज के माउंटेंस आपको मिल जाएंगे माउंटेन्स नाइन्टी ऑफ द कंट्री कवर uh, करते हैं और यहाँ पे रेमिटेंसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं मतलब इनके लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए वो पैसा कमा के भेजते हैं रेमिटेंसेस हैं ये और कॉटन प्रोडक्शन भी रहता है अमू अमूदरिया और पंज रिवर्स इट मार्क्स दी बॉर्डर विद अफगानिस्तान तो यहाँ पे बॉर्डर पे आपको अमू रिवर और पंज रिवर दिखेगी नेक्स्ट यहाँ पर अगर जानते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड हिजाब तजिकिस्तान अजरबाई पाकिस्तान अफग़ानिस्तान ठीक है तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताएँ धन्यवाद